संसद में गाली और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके बीजेपी सांसद रमेश भदौरी अब बुरी तरह फंस गए हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने रमेश भदौरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये नोटिस पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के निर्देश पर जारी किया गया है। रमेश भदौरी ने बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था कल लोकसभा में। संसद में खुलेआम गाली देने के मामले में अब रमेश भदौरी की मुसीबत बढ़ने वाली है, ये तय है। कुछ देर पहले दानिश अली ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। दानिश अली ने रमेश भदौरी के खिलाफ ओम बिरला से शिकायत की और कहा कि इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नई संसद में किया गया, ये एक माइनॉरिटी के मेंबर के तौर पर मेरा अपमान है, इसलिए इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश भदौरी के इस विवादित बयान पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भले ही फौरन सदन के सामने इसके लिए खेद जता दिया था, लेकिन विरोधियों को इस मुद्दे में 2024 का फायदा दिखाई दे रहा है और वो इस मुद्दे को आगे ले जाने का फैसला कर चुके हैं। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी सब ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना लगाया। साथ ही लोकसभा के स्पीकर से रमेश भदौरी पर कार्रवाई करने की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से रमेश भदौरी के बयान से विवादित हिस्सा हटा दिया गया और इसके बावजूद लेकिन दानिश अली किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। दानिश अली आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए गए और एक बार फिर भदौरी पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी रमेश भदौरी की मुश्किल बढ़ रही है। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिरे ले रहे हैं कभी खड़ा होगा तो ये बता रहा हूं सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सुनो, सर अभी मैं बताना चाहता हूँ। अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहे थे। बाहर देखो रमेश भदौरी के इसी बयान पर हंगामा मचा हुआ है। रमेश भदौरी के बयान पर बसपा सांसद दानिश अली ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी, मैं पूछना चाहता हूं क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। रमेश भदौरी के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही संसद की इमारत नहीं है, सोच वही पुरानी है, शर्म आती है। उन्होंने पूछा कि जिस पार्टी के सदस्य की एक समुदाय को लेकर ऐसी सोच हो, उसके सुनने के बाद भी क्या उनके साथ रहेंगे?
जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। रमेश भिदुड़ी के बयान के बाद लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और खुद दानिश अली अपनी सीट पर खड़े हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भिदुड़ी के बयान के लिए बाद में खेद प्रकट करना पड़ा। जब हमारे सम्मानित सरस श्री रमेश भिदुड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।